आएगा से मालगुड़ी तक आप ही? हाँ अंधेरा में, बहुत अंधेरा है अभी रात को, बहुत ही ज्यादा। आज तो कहीं चंद्रमा के दर्शन भी नहीं हो रहे, और यहाँ गांव में किसी के जो मवेशी थे वो कहीं गुम हो गए, मिले नहीं। देखिए टॉर्च लगाने के बाद मेरी तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, तो काफी अंधेरा है देख सकते हैं आप। तो आपको अंधेरे में ज्यादा चीजें तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक मिलते हैं, कहाँ तक हम जा पाते हैं। मेरे साथ दो तीन लोग और भी हैं, जंगल की तरफ जाना पड़ेगा रात को। तो चलिए इसी बहाने आपको जंगल की सैर करवाते हैं, वो भी रात में। हैं? अरे ये एक तो गया यार, ये टॉर्च तो गई, लगता है ये टॉर्च गई, चार्जिंग कम। बड़ा मिल गई, लगता है क्या बना ची? लगता है मवेशी घर की तरफ आ गए, लेकिन इस अंधेरे में लेने जाना ही पड़ेगा उन्हें। और लगता है ये हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया है, मवेशी वापस आ गई और जंगल की सैर रात को नहीं हो पाएगी। कोई नहीं, थोड़ा सा आगे होके आते हैं। यहाँ पे एक दोस्त और भी है हमारे साथ, उनका घर थोड़ा दूर है और अंधेरा काफी है, तो उन्हें छोड़ने भी जाना पड़ेगा शायद आगे तक। चलो खुशखबरी आ गई कि गौर आ चुके हैं, तो वापस चलो। चलो पंदेर था, इस बार हम रंडे टेक गौर खुजाने के लिए जा रहे हैं। तो आप तो पूरी तैयारी के साथ आए थे? हम तो पूरे डंडे लेके आए थे, लेकिन चलो भाई बैल बुल खोजे लोग के जंगल में जाने का मौका तो नहीं मिला, खैर एक्सपीरियंस नहीं ले पाए हम, लेकिन अच्छी बात यह है कि मवेशी आ गए हैं। दूर से लाइटें पड़ रही हैं, तो वहाँ देखिए जंगल के अंदर जो मवेशी हैं वो जंगल के अंदर वहाँ हैं, वहाँ से उनको ला रहे हैं। यहाँ पे लगता बंदर है आवाज कर रहे हैं, इस पेड़ के अंदर शायद बंदर है जो आवाज कर रहे हैं। खैर इस टाइम उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये जो प्राणी आगे आगे चल रहे हैं, इनको छोड़ने जाना है आगे तक, फिर वहाँ से अपने आप निकल जाएंगे। अंधेरा क्योंकि ज़्यादा है, मैं थोड़ा इनके घर के नज़दीक तक इनको छोड़ के आते। तो बीच में एक लैंडमार्क है, एक जगह है पंदेरा, तो वहाँ से इनके घर की दूरी थोड़ी सी है, तो वहाँ तक छोड़ आते इन्हें। देखिए वो जहाँ लाइट दिखाई दे रही ऊपर, वहाँ इनका घर है। देखिए जहाँ लाइट दिखाई दे रही, ये मवेशी जंगल से अब आ रहे हैं। देखिए एक दो तीन और चार, काक से आयो है? काक से अरे मत लूने चलिए भी जानो तुम, और तुम जगह ना रावल। अरे मैं खड़ा पड़ो दौड़ी हो, अच्छा तुम लांग रहे आ गए से वापिस चल गई। अरे वो दौड़ गई एकदम। अच्छा ये हमारे चाचा जी हैं जिनके वो बैल और गाय थी। चलिए अच्छा हुआ कि आ गए, और अब हम यहाँ तक जाएंगे दो कदम आगे, यहीं पे पंदेरा है, और वहाँ से हम बैक गियर लगाएंगे घर की तरफ, और संदीप ढोंडियाल यहाँ से अपना रास्ता पकड़ेंगे।
घर की तरह। संदीप चल जाली है, चल जाली पक्का। बहुत अंधेरा है और इस अंधेरे में मोबाइल की लाइट के साथ जाएंगे संदीप। वो देखिए जा रहे, यहाँ पे पंधेरा है, ये मॉडर्न पंधेरा है। इस पर टंकी बना दी है और नल लगा दिया है। यहाँ पे एक चेरी है पानी की, जो ओवरफ्लो होता है वो इसमें आता है और यहाँ पे जानवर मवेशी जो हैं वो पानी पीते हैं। देखिए ये है टंकी, इस पर लिखा है जय दीपा माँ। तो यहाँ पास में ही दीपा मंदिर है। देखिए मेंढक है, आवाज़ कर रहे, इनको भी परेशान करना ठीक नहीं। रात काफ़ी हो चुकी है और अंधेरा भी काफ़ी है। बस यहीं पे वो गौशाला है जहाँ पे वो जानवर जो छूट गए थे जंगल में वो आए हैं। खैर है क्या तुमने? अच्छा। खुजांदा जाना ना, मैं तो रास्ता रास्ता हूँ। रास्ता रास्ता है गए तो ये मरो तो ये मटी मलगड़ो चल रहा, मैं आले नहीं आले मैं आए क्या से मलगड़ो इन तक मलगड़ो आप ही? हाँ अंधेरा में। हाँ बड़ी चलो तो आवन आ बढ़िया चलो ठीक। तो फ्रेंड्स अभी चलते हैं घर की ओर और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।